हेलो फ्रेंड्स, ये गाड़ी है महिंद्रा बोलेरो। देखने में बहुत साफ गाड़ी है, आप देखेंगे बाहर से तो ऐसा लग रहा है बिल्कुल चमक रही है, तुरंत ले लेनी चाहिए। लेकिन नहीं, इसकी बारीकियां क्या है, गाड़ी अंदर से कैसी है, बनाने के लिए गाड़ी कैसी भी हम बना सकते हैं, लेकिन उसको हमको चेक करना पड़ेगा कि इस गाड़ी की असलियत क्या है, ऊपर से मेकओवर है या नहीं है। पिछली वीडियोस में भी मैंने आपको दिखाया था कई सारे फैक्ट्स कैसे हम लोग चेक करते हैं, तो इस गाड़ी को भी आज चेक करेंगे और एक एक चीज़ आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो ये गाड़ी देखिए, यहाँ से मुझे दिख रहा है कि थोड़ा बहुत इसमें ये एरिया पेंट है, ये पेंट अलग से समझ में आ रहा है। कैसे समझ में आ रहा है, थोड़ा बहुत उसके लिए अंदाज़ा आपको होना चाहिए। डिटेल में मैंने पिछली वीडियोस में बताया हुआ है कि कैसे चेक करते हैं। ये देखिए, यहाँ पे पेंट ओरिजिनल है, लेकिन यहाँ पे अगर फिर देखूंगा तो यहाँ पे भी पेंटेड है। ये टचिंग है इसके ऊपर, टचिंग समझ रहे हैं आप लोग, टचिंग क्या होती है। टचिंग एक अलग चीज़ है पेंट से हटके, पेंट फुल गाड़ी होती है, टचिंग अलग होती है। ब्रेक पेडल जो है, ब्रेक पेडल की कंडीशन बिल्कुल न्यू है, देख रहे हैं, यानी कि ब्रेक पेडल ऐसा लग रहा है कि यूज़ बहुत कम हुई है गाड़ी, खड़ी रही है गाड़ी। लेकिन उसके अपोजिट क्लच पेडल में प्ले है, क्लच पेडल में प्ले इतनी आ गई है मतलब कि गाड़ी यूज़ हुई है ज़्यादा। कॉम्बिनेशन मैच नहीं कर रहा इसका, और रीडिंग का कॉम्बिनेशन तो रीडिंग इसकी है करीब 63-64 के आसपास, 64,000 के इसमें रीडिंग शो कर रही है। कभी भी देखिए, डिजिटल मीटर हो या एनालॉग मीटर हो, मीटर के ऊपर हम लोग भरोसा नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं कर सकते, क्योंकि आजकल बहुत कम लोग हैं जो फैक्ट जो ऐसा होता है गाड़ी में वैसा बता के बेचते हैं। लेकिन मोस्टली तो मुझे यही दिखता है कि गाड़ी का मीटर के साथ छेड़छाड़ की जाती है, गियर लीवर वगैरह भी ठीक है, सीट की कंडीशन ठीक है उस हिसाब से, जैसे हम कह सकते हैं कि जेन्युइन रनिंग है या नहीं। लुक बढ़िया है गाड़ी का, लेकिन भाई साहब टायर वायर से बाहर से ना और ये जो रियर साइड में ये बैचिंग दिख रही है आपको बोलेरो की, ये रस्टिंग है। रस्टिंग इतनी जल्दी नहीं आती है जितनी जल्दी इसमें आ गई है। क्या रीज़न रहा होगा, हो सकता है चेंज किया गया हो या फिर कुछ और भी रहा हो सकता है। बम्पर वगैरह तो मुझे पेंट दिख रहे हैं और ये लाइट भी पीछे की चेंज दिख रही है। किन कंडीशन में चेंज की गई होगी वो आपको अंदाज़ा लगाना होता है, सोचना होता है कि शायद एक्सीडेंट हुई हो या फिर क्या कंडीशन, इतनी जल्दी ख़राब तो होगी नहीं कि लाइट को चेंज कर दिया जाए। बहरहाल ऊपर की कंडीशन तो हमने देख ली, बाकी क्या क्या है एक बार इंजन की तरफ चलते हैं, इंजन भी दिखाता हूँ आपको क्या है। इंजन खोलना एक बार। इसका टेस्ट ड्राइव हम लोग पहले ले चुके हैं, पहले हम लोग आए तो हमने पहले गाड़ी चला के देख ली चलने में क्या लग रहा है। कुछ कंडीशन हमको चलाने से भी पता चलता है कि गाड़ी कितनी चली हुई है क्या है। बाकी कंडीशन देखिए, इंजन अगर आप देखोगे तो इंजन बिल्कुल साफ दिख रहा है, साफ दिख रहा है मतलब धूल मिट्टी नहीं दिख रही है, धुला हुआ दिख रहा है, समझ रहे हैं आप। और इंजन चला हुआ कितना है वो अपनी कंडीशन चलने पर बताता है कि पावर कितनी है इंजन के अंदर, बैक कंप्रेशर है कि नहीं है, साउंड कैसी है इंजन की, ये सारी चीज़ें हमको मेजर करनी होती है। यहाँ फिजिकली हमको ये देखना होता है कि आगे से कभी एक्सीडेंट वगैरह तो नहीं हुई है, एक्सीडेंट होगी तो या तो पैनल चेंज होगा या तो वहाँ पे अलग से पेंट किया हुआ होगा। इंजन वगैरह तो ठीक है, खुला नहीं है, लेकिन हाँ बोलेरो में इतनी जल्दी काम आता भी नहीं है तो इस वजह से इंजन नहीं खुला होगा। वो आवाज़ मुझे लग रहा है शायद गेयरबक्से के माउंटिंग की होगी, है ना, एक आवाज़ ही आ रही थी ऐसे चलने में नीचे। ये अंडर बॉडी में थोड़ी सी रस्टिंग आ रही है यहाँ पे, और ये बॉडी बुश से थोड़ा सा अंदाज़ा लग जाता है कि क्या रनिंग हुई होगी, क्योंकि ये लाइफ टाइम चलते हैं बुश, जल्दी चेंज नहीं होते और इस तरफ किसी का ध्यान भी नहीं जाता, तो एक ये पॉइंट भी होता है यहाँ से पहचान सकते हैं कि लगभग कितनी चली होगी, क्योंकि लाइफ के हिसाब से ये बैठते जाते हैं। और सस्पेंशन का काम हुआ है या नहीं हुआ है, इसके बुश की कंडीशन हम साइड से देख के पता लगा सकते हैं कि ये बुश चेंज हुआ है या नहीं हुआ है। तो इसका सस्पेंशन हुआ है, खोल दिया गया है तो सस्पेंशन किया गया है, और 60,000 में सस्पेंशन हो गया है, इसका मतलब कुछ अलग ही है। बोलेरो में देखिए, ये जो रस्टिंग लिख रही है, यहाँ जो बोलेरो लिखा हुआ है यहाँ पर भी रस्टिंग दिख रही है। रस्टिंग ओरिजिनल जो मार्का आता है, ओरिजिनल बैचिंग कंपनी की, उसमें इतनी जल्दी रस्टिंग आती हुई मैंने देखी नहीं है। यहाँ क्यों आ रही है, क्या मैटर है, कुछ नहीं कह सकते। इसी तरह से छोटे छोटे पॉइंट पे हमको शक करना होता है, डाउट करना होता है। एक मेजर मतलब एक सीधा साधा एग्जांपल आपको दे दूं तो डाउट करना होता है हर चीज़ पे हमको, क्यों हुआ होगा, उसके पीछे का रीज़न क्या रहा होगा। बहुत ध्यान से इन चीज़ों को देखना होता है, ऐसा नहीं कि हमने ऊपर से गाड़ी देखी बहुत चमक रही है, ये भी अच्छा है वो भी अच्छा है, साफ़ रखी है, साफ़ रखी है मतलब धुल के रखी है, जिसको बेचनी होगी गाड़ी दिखानी होगी तो साहब सीधी सी बात है वो साफ़ करके धुल के तभी दिखाएगा गाड़ी आपको। आपको देखना है यहाँ पर कि आपको क्या चाहिए और आप क्या चीज़ ढूंढ रहे हैं।
गाड़ी की टेस्ट ड्राइव के ऊपर भी मैंने वीडियोस बनाई हैं कि टेस्ट ड्राइव में क्या चीज़ें देखनी चाहिए हमको, कैसे टेस्ट करते हैं गेयरबॉक्स की कंडीशन, कैसे टेस्ट करते हैं इंजन की कंडीशन, बहुत सारी चीज़ें मैंने डिटेल में बताई हैं। अगर चाहें तो वहाँ जाके आप लोग एक बार देखेंगे तो थोड़ा सा समझ में आएगा आपको। एक चीज़ और है, कभी भी आप लोग गाड़ी लेने जाते हैं तो 2 से 3 लोग जाइए, क्योंकि एक सेकेंड पर्सन का ओपिनियन बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि जब हम गाड़ी लेने जा रहे हैं ना तो बहुत सारी चीज़ें छूट भी जाती हैं जल्दीबाजी में, आपकी नज़र नहीं पड़ेगी तो दूसरे की नज़र पड़ेगी। गाड़ी ले रहे हैं, कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं ले रहे हैं, जैसे कि ये स्विच वगैरह लगे हुए हैं, देख रहे हैं ये स्विच अलग से लगा हुआ है। तो स्विच अलग से लगा हुआ है, इसमें हम क्या देख सकते हैं कि स्विच कौन सा लगाया गया है, क्योंकि बेचने के लिए लगाई गई क्वालिटी अलग होगी और रखने के लिए लगाई गई क्वालिटी अलग होगी। इतना तो आप लोग भी समझते हैं, बस इतना ही हमको अंदाज़ा लगाना होता है। और हाँ, गाड़ी लेने से पहले बहुत अच्छे से चेक कीजिए, टेस्ट करने के ऊपर बिल्कुल भी मत शर्माइए कि इतनी देर लग रही है, इतना टाइम लग रहा है, जैसा भी लग रहा है आप उसको टेस्ट करके लीजिए। ये गाड़ी जहाँ तक मैंने देखा मुझे समझ में नहीं आई। बार्गेनिंग की तो बात अलग है कि बाद में हम करेंगे बार्गेनिंग, क्या करना है क्या नहीं करना है, फिलहाल ये गाड़ी हमको इतनी समझ में आई नहीं। हम जाएंगे किसी और गाड़ी की तरफ, दूसरी गाड़ी मिलेगी वो भी आपको दिखाऊंगा। और ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा, मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।